काट लिया। नमस्कार, स्वाद सेहत और बागवानी में आपका स्वागत है। गाजर का हलवा प्रेमियों के लिए आज मैं गाजर हलवा का रेसिपी बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम टाइम में तैयार होगा, बिल्कुल हलवाई वाले टेस्ट के साथ। हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें लाल वाला गाजर लेना है। लाल वाले गाजर ज़्यादा मीठे होते हैं, हमें ऑरेंज वाला गाजर नहीं लेना है। इसको मैंने अच्छे से छील के फिर धो लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। देखो, एक किलो गाजर को मैंने ये कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसका हलवा बनाएंगे। इसमें हम खोआ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल हलवाई वाला गाजर का हलवा बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिएगा, जिससे आप जान सके कि गाजर का हलवा हलवाई जैसा कैसे घर पर बना सकते हैं। गाजर का हलवा हम फटाफट बनाएंगे, इसलिए हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकर में हम इस गाजर को डाल देंगे, जो हमने कद्दूकस करके लिया है। इसमें हम एक कप दूध डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा हलवाई जैसा बने, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो गाजर में आप 250 ग्राम तक शक्कर डाल सकते हैं। नहीं, कप से आप लेंगे तो एक कप या सवा कप आप शक्कर इसमें डालिए। तो ये मैं शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। शक्कर मैंने डाल दिया। अब कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे। कुकर में एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ज़्यादा कुक हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसे हम काट लेंगे बारीक। कुकर में एक सीटी आ चुका है और अब इसको हम खोल लेते हैं। कुकर को हटा के हम कढ़ाई गरम करेंगे। 2 चम्मच मैंने देसी घी इसमें डाला। उबला हुआ गाजर हम अब कढ़ाई में डाल देंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके ये जो यहाँ जूस दिख रहा है, इसको हम सूखने दें। इसको हम तेज फ्लेम पर इसके पानी को सुखाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। जूस को सुखाने के लिए हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। हलवा बनाने में खोए का बिल्कुल इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। इन चीज़ों से मैं आपको ये हलवा हलवाई जैसा बना के दिखाऊंगी। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो हमने काट के लिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप शादी समारोह में जाते हैं, तो गाजर का हलवा जो खाने को मिलता है दोस्तों, बस वही टेस्ट इसमें आने वाला है। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने इलायची लिया है, जो मैंने कूट के लिया है। इसके छिलके अलग कर लिए हैं और इलायची को अलग कर लिया है। और इलायची को हम हलवे में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। हलवे से पानी सूख चुका है। अब हम इसमें ऐसी चीज डालेंगे जिससे इसका टेस्ट हलवाई के हलवे जैसा आएगा। गाजर बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, आप देखेंगे इसका पानी बिल्कुल नहीं है कहीं भी। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं घर से बनी हुई मलाई। ये आप 1 कप मलाई जरूर डालिए इसमें, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्ट ये बनता है। अब मिक्स करेंगे। आप देखेंगे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और खाने में तो लाजवाब होता ही है। जो दूध उबालने के बाद जो उसके ऊपर मलाई पड़ती है, ये वही मलाई है। तो आप घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, आपको खोया या कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मलाई मिक्स हो जाने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये ज़्यादा कुक हो जाएगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको हम उतार लेंगे। ये कुक हो चुका है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल हलवाई वाले हलवे जैसा टेस्टी होता है। आप जरूर घर पर बनाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपका हलवा कैसा बना। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है, तो इसलिए हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा है, बहुत ही टेस्टी और हलवाई वाला हलवा बनके तैयार है। आप इसका कलर देख सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ काजू। तो ये मैंने काजू डाल दिया, ये मैंने बादाम डाल दिया। तो काजू बादाम के साथ गर्मा गर्म हलवा बनके तैयार है आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप लोग इस तरह से हलवा बना के एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।